दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे हेल्पर 2 के रिजल्ट के बारे में और साथ में इसकी अनुमानित कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो कट ऑफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वे के आधार पर बनाई गई है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 150 सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं और इनकी जो लिस्ट में नाम आप है वो यहाँ पर दे सकते हैं। इनके नंबर और इनकी जो कंपनियाँ और साथ में इनकी कैटेगरी भी दी गई है। दोस्तों रिजल्ट के बारे में सूचना मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी कट ऑफ के बारे में अलग अलग कंपनी वाइज और कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। और दोस्तों इस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधे इस व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो रिजल्ट है उसकी सूचना पहले 2 दिन पहले उपेंद्र यादव जी से आई थी कि इसका रिजल्ट है वो 2 अगस्त या इससे पहले जारी हो सकता है, यानी 2 अगस्त तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है रिजल्ट के लिए। और साथ में ये भी था कि जो जुलाई का अंतिम वीक है उसमें भी जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके मतलब जो सर्वे किया गया था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। इस सर्वे में 398 रिस्पॉन्स यानी 398 लोगों ने इसमें इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया था, जो मैंने आपको पहले बताई थी 398 लोगों ने इसमें नाम दर्ज किया। और उसमें दोस्तों जो JVVNL है कंपनी उसे 45.2% थे JVVNL से और AVNL से थे यहाँ पर 16.6% और JDVVNL से थे 16.3% और जो आल कैटेगरीज हैं उससे मतलब 21.4% थे अभ्यर्थी। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ कितने परसेंट थे, उसके बाद कट ऑफ भी बताऊंगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। पहले इसकी जो रिस्पांस है उसके बारे में किस आधार पर सर्वे किया गया है उसकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप खुद भी देख लीजिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी से कितने थे और ये 45% है, मतलब किस कैटेगरी से थे OBC से 45% इसमें शामिल हुए थे, उसी आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई। मैं आपको चलिए कट ऑफ ही दिखा देता हूँ सीधे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कट ऑफ का नतीजा। यहाँ पर जनरल कैटेगरी जो जयपुर डिस्कॉम की कट ऑफ पहले देखते हैं, जनरल कैटेगरी की 77 से 79% तक जा सकती है, OBC की 74 से 76, MBC की 72 से 74 तक और ST की 71 से 73 तक और SC की 69 से 71 तक जा सकती है कट ऑफ। यहाँ पर आगे अजमेर डिस्कॉम की आप दे सकते हैं दोस्तों, इससे लगभग कम होने की चांसेस ज़्यादा होने के नहीं है। और ये उनके मुताबिक है जो इसमें 398 लोगों ने रिस्पांस दिया था उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया था उनके हिसाब से ये तैयार की गई है। और वैसे रिजल्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा। यहाँ पर जो अनुमान है वो मैं आपको बता रहा हूँ अजमेर डिस्कॉम की जनरल कैटेगरी की 74 से 76 के बीच और OBC की 71 से 73, MBC 69 से 71 और ST की 68 से 70 के बीच और SC की 65, ये है जयपुर अजमेर डिस्कॉम। जोधपुर डिस्कॉम वाले भी यहाँ पर दे सकते हैं जनरल कैटेगरी की 71 से 73, MBC की 70 से 71, MBC की 67 से 69% और यहाँ पर ST की 65+ जा सकती है और आल राजस्थान की भी आप नीचे दे सकते हैं, आल राजस्थान की जनरल की 70 से 80 के बीच और ये MBC की 70 से 73, SC की 68+, ये आल कट ऑफ आप अपने अपनी कैटेगरी वाइज और अपनी कंपनी वाइज दे सकते हैं, अनुमानित कट ऑफ है। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट मैंने आपको बता दिया 2 अगस्त से पहले आने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों अगर आप न्यू एग्जाम चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से अगर इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सीधे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट भी आप तैयार रखिए जिनके नंबर इससे ऊपर बन रहे हैं। धन्यवाद।